और ये V4 ओवरटेक ले रहा है, और ये भाई साहब ये क्या इशारे हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड ओवरटेक 122 पे कॉर्नर से ओवरटेक करते हुए 135 पंजवा गियर, मेरा पंजवा गियर था 135 पे, मैडम तो पाया नहीं मैंने। तुम्हारा भाई R15, ये है असली R15 V4 वर्सेस V2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो इस व्लॉग में आपको V4 वर्सेस V2 देखने को मिलेगा गाइस। V2 जो है वो 10 साल पुरानी है और V4 अभी नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है यामाहा का। यह आप मैं रोड बताऊंगा, ये जो बड़ूही से आता है ऊना को जाता है वो वाला रोड है गाइस। स्टार्टिंग से ही 120 110 गाइस 100 प्लस चले ऑलमोस्ट, बहुत ही बढ़िया कॉर्नर होता हुआ यहाँ पे हाईवे पे है। और देखिए गाइस स्पीड चेक करें आप, ट्रैफिक की वजह से गाइस थोड़ा सा हमें सतर्क होकर चलना पड़ रहा था, इसीलिए थोड़ा अप्स एंड डाउन आए हैं यहाँ पे ओवरटेक करते हुए V2 R15 V4 को। जो कि V2 है दी अल्टीमेट मशीन गाइस, रेड लाइन किया हुआ पूरा इसको मैंने, फोर्थ गियर पे अभी है, फिफ्थ गियर तो अभी बदलना है, ये फिफ्थ गियर डाला है इसका 130 प्लस पे गाइस, फिफ्थ गियर पड़ रहा है इसका, सिक्स तो पूरे रेस में लगा ही नहीं है गाइस कहीं पे, बहुत ही इंप्रेस हुआ था मैं इसकी ये बात से। प्लस पे मैं फिर ओवरटेक कर लेता हूँ, काफी गैप बना लेता हूँ इसमें, तो मैं वेट करता हूँ कि V4 वाला जब आएगा उसके बाद हम पुल करेंगे दोबारा से। और यहाँ से गाइस हम दोबारा शुरू होते हुए, ये देखिए दोबारा V4 ने ज्वाइन कर लिया है और एकदम से गाइस हम 100 प्लस हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रदर्स, ये जो बाइक है इसी का मैंने रिव्यू दे रखा है 10 साल ओनरशिप रिव्यू का, और उसके बाद भी गाइस ये देखिए किस तरह जा रही है 130 प्लस इजीली गाइस। V4 काफी आगे चल रहा है पर ज्यादा देर तक आगे नहीं रहेगा वो, फिर भी गाइस टफ कॉम्पिटिशन दे रही है V2 को, 125 प्लस हो गए हम यहाँ पे, दोबारा से गाइस 130 मार्क टच करने की कोशिश रहती है मेरी और यहाँ कर दिया है। और मैं माफी चाहूंगा गाइस, जो विंडशील्ड से आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है, मेरी एक कोशिश रहेगी कि अगली बार इसको मैं ट्रांसपेरेंट करा सकूं थोड़ा सा, ये लिप्स के कारण मैंने ब्लैक करा रखा है तो नेक्स्ट टाइम गाइस। और ये देखिए गाइस ओवरटेक 125 पे गाइस हाई स्पीड ओवरटेक लिया है, बहुत ही बढ़िया ओवरटेक है ये, वन ऑफ माय फेवरेट ओवरटेक है ये इस रेस का। यहाँ पे गाइस ये पुलिस के डर से बोल रहा था कि ठुल्ले कहाँ है, ठुल्ले ठाले गाइस कहीं नहीं होते हैं इस रोड पे, और ये डर रहा था, सीनियर वाले राइडर ने डरा रखा था इसको कि आगे ठुल्ले हैं, क्योंकि गाइस वही है हमारे में जो बहुत डरता है। फाइनली गाइस उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, अब देखिए गाइस यहाँ पे CVR को भी कॉम्पिटिशन देने की कोशिश होती है मेरी, पर कहाँ गाइस 250 वो मानता नहीं है। ये देखिए पुल तो किया है मैंने अपनी तरफ से और ये फिर निकल गया आगे, नहीं गाइस इसको कंपटीशन नहीं दे सकते हम, पर फिर भी जो ट्रैफिक में है थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की कोशिश से मैंने इसको क्रॉस कर दिया है।
ये जो गाइस ये चौक है, ये बड़ूही चौक है जो जो कि आम्ब से आता है, बड़ूही को जाता है, फिर ऊना को जाता है, तो ये वाला चौक है। आगे हम गाइस एक्सीडेंट से ही बचे हैं, एकदम से स्प्लेंडर वाला बिना इंडिकेटर के मुड़ता है और हमारा ग्रेडर बचता है। तो अब दोस्तों ये देखिए, मेरे से V4 वाला ओवरटेक लेगा और स्प्लेंडर वाला आगे से क्रॉस करेगा और एकदम से गाइस कोलाइड होने से बच जाते हैं हम। ये देखिए, और ये यहाँ पे देखिए, ये देखें गाइस, ये ओवरटेक है और यहाँ से गाइस बहुत ही क्लोज कॉल, बच गए। मेरी आपसे गाइस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने ओवरटेक लेना है, राइट लेफ्ट जरूर देखें, सड़क पे कोई है या ना है। हम बचे हैं गाइस यहाँ पे, उसके बाद दोबारा से हमने गाइस फिर से पुल करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पे गाइस मैं 110 प्लस चला हूँ और मेरे से आप तो मेरा ओवरटेक ले लेता है V4 वाला, और इशारा देखिए क्या करता है ये। ओ भाई साहब, इससे तो और गुस्सा आता है, 125 चल के ओवरटेक ले रहा है गाइस, बहुत ही करंट आता है। और साथ ही मैंने इसको ओवरटेक करने की कोशिश गाइस 130 प्ले, और एक कॉर्नर आ गया और कॉर्नर पे तो गाइस आपको पता ही है कौन जाएगा, 112 पे ओवरटेक करते हुए दोबारा से। और यहाँ पे सबको पछाड़ते हुए एक के बाद एक गाइस ट्रैफिक में भी नहीं मान रहे हैं, अब तो गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने इशारा जो कर दिया था। 130 प्लस गाइस, ऑलमोस्ट 130 प्लस जाने की कोशिश है मेरी कॉर्नर पे। यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया तेज राइड थी गाइस हमारी। ये था गाइस एड्रेस R5 V4 और V2 का, साथ में थोड़ा बहुत